हम एक ले रहे हैं सेकेंड हैंड 200 NS। और अबे यार क्या है, आदमी है क्या बिना देखे मोड़ रहा है? अच्छा तो फुल लेकर आया मेरे लिए, अपने लिए तो कंटेंट बन रहा है। धक्का मार रहे हैं लात लगा के। अरे रिपेयर नहीं करना है, बस फैन खोल के लगाना है। हाँ तो वही कह रहा हूँ ना, वो वहीं करेगा। अरे ट्राई नहीं करोगे तो कैसे होगा? अरे अच्छा बेमतलब का मैं बोल रहा हूँ आपसे। तो वेलकम बैक टू दी चैनल गाइस, आप देख रहे हैं एक्सेलेंट राइडर और आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग थोड़ा स्पेशल होने वाला है। स्पेशल क्या मतलब, अंजलि को पिछले व्लॉग में आपने देखा, अंजलि को मैंने छोड़ दिया था। तो अभी मैं नहा के रेडी हुआ हूँ और टाइम दिखा देता हूँ आपको। टाइम हो रहा है 12:13, टाइम हो रहा है। और अभी नहा के रेडी हुआ हूँ और हाँ, बाल पिछले व्लॉग में बहुत ज़्यादा बड़े हो रहे थे, देखो बाल बाल कटवा के आया हूँ, सेट कर लिया मैंने बाल बाल। तो उससे मेरा क्या फायदा? बाल अजीब से लग रहे थे, तो वीडियो में उतना अच्छा लुक दिखर के नहीं आ रहा था मेरा। ये सुंदर लड़का थोड़ा अगली लग रहा था भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी। तो अभी मैंने चाय वाय बनाई थी, चाय वाय उसका पैन रखा हुआ है, चाय वाय पीऊंगा और टोस्ट वोस्ट थोड़े और रोस्ट करे हैं पैन में। और अभी का प्लान कुछ ऐसा है कि हम एक ले रहे हैं सेकेंड हैंड 200 NS, और उसका एक पार्ट है हमारे पास में जो मैंने कल ये ख़रीदा था बजाज से। ये क्या चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको, ये रेडिएटर फ़ैन है, दिखा देता हूँ आपको कैसा है। तो मैंने अभी एक रेडिएटर फ़ैन लिया है NS 200 का, जो कि मुझे पड़ा है 1911 रुपये का। तो गैस ये रेडिएटर फ़ैन उस गाड़ी में डलेगा, तब जाके वो गाड़ी हमारी काम करेगी। और अभी थोड़ा बिस्तर थोड़ा मैशअप है, उसको इग्नोर करना। बाकी अभी हमें ये जाके ना मेरे को जीजू को देना है, क्योंकि जिनकी गाड़ी हम ले रहे हैं वो मेरे जीजू लगते हैं रिश्ते में। तो उनके पास में 10 साल पुरानी NS है, तो वो अब चलाते नहीं हैं। तो हम एक सेकेंडरी बाइक ले रहे हैं घर के यूज़ के लिए। वो गाड़ी यूज़ मैं नहीं करूँगा, वो गाड़ी यूज़ करेगा मेरा भाई, तो उसके लिए ले रहे हैं क्योंकि ऑफिस जाने आने में दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने बोला कि तुम मुझसे ले लो मेरी गाड़ी, मैं सेल करूं किसी और को, इससे बढ़िया है, सब चीज़ जेन्युइन है उस गाड़ी में, तो तुम वो गाड़ी ले लो। डिब्बे के अंदर जो हमें जाना है चाणक्यपुरी, क्योंकि ये गाड़ी जो खड़ी है चाणक्यपुरी में खड़ी है। तो जीजू ने बोला था कि तुमने फ़ैन ले लिया, कल बारिश की वजह से मैं जा नहीं पाया ये फ़ैन देने के लिए। चाणक्यपुरी में जाके मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, ठीक है? वैसे तो मोटो व्लॉगिंग करता हुआ जाऊँगा, तो चलो गोप्रो से मोटो व्लॉगिंग पे मिलते हैं। और गाड़ी मैंने अभी देखी नहीं है किस कलर की है, क्या है, कुछ है, तो वो सब सस्पेंस है। व्लॉग में बने रहना, आगे पता चलेगा आपको कि किस कंडीशन की बाइक हमें मिल रही है, तो वो सब चीज़ें आपको दिखाऊंगा इस व्लॉग में। चलो वेलकम बैक टू दी चैनल गाइस, आप देख रहे हैं एक्सीलेंट राइडर। और आज हमारी गाड़ी हो रही है थोड़ी गंदी, तो अभी मुझे जीजू के पास जाना है। NS 200 का रेडिएटर फ़ैन है ना, मुझे उनको देना है, वो गाड़ी में लगाएंगे तब वो गाड़ी हम लेकर आ पाएंगे अपने घर के लिए। उन्होंने बताया था कि इसका रेडिएटर फ़ैन है ना थोड़ा ख़राब हो रहा है, वो सही करना पड़ेगा, नहीं करे बगैर। लिक्विड कोल्ड इंजन है ना 200 NS का, अगर रेडिएटर फ़ैन में दिक्कत रहेगी तो रेडिएटर हीट होने के बाद है ना गाड़ी का इंजन सीज हो सकता है। तो रेडिएटर फ़ैन बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको डलवाना पड़ेगा इंस्टॉल करवा के, फिर बाद में हम वो कर पाएंगे। और अभी मैंने तीनों एप्लीकेशन ऑनलाइन कर रखी है, ओला रैपिडो पोर्टर। रैपिडो में तो मैंने लगा रखा है लोकेशन चाणक्यपुरी का, बाकी दो ऑनलाइन ऐप ही है उसका, मिलेगा मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। और आज भी बारिश जैसे ही मौसम है, पता नहीं आज भी मैं काम कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, आज का दिन भी मेरा खाली जाए। तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग यहीं से कर लेते हैं चालू। और अपने यहाँ पर पानी पानी भरा पड़ा है, आज मैंने कपड़े तो अच्छे पहन लिए हैं, मगर कीचड़ काचड़ से कैसे बचूँगा ये समझ में नहीं आ रहा। अब यह है गंदे कपड़े पहन के तो नहीं घूम सकते ना। अब आज मैंने बाल बाल कटवाए, ब्लॉग में देख ही लिया होगा आपने, तो थोड़ा आज इंसान लग रहा हूँ बाल कटवा के, नहीं तो ऐसे बाल बड़े हो रहे थे
और हेलमेट पहनने के बाद है ना बड़े बालों में ना दिक्कत होती है, तो थोड़े छोटे करवा लिए मैंने बाल। मैंने बोला कि हेलमेट पहनने के बाद तो सब चपटे हो जाते हैं, पहले मैं भी खड़ा करके रखता था बाल, मगर हेलमेट पहन पहन के सारे बाल मेरे फ्रेश हो जाते हैं। तो रोड पे चलना है तो बिना हेलमेट के तो नहीं जा सकते। और अबे यार क्या है, आदमी है क्या बिना देखे मोड़ रहा है या कहीं का? अभी मेरे गाड़ी के आगे एकदम से मोड़ दिया कट करके, होता है कैमरा ऑन था तो रिकॉर्ड हुआ होगा, बचाया कैसे मैंने। मूड की दही कर देते हैं सुबह सुबह, घर से निकलने की देर नहीं होती कि ऐसे ऐसे नमूने मिल जाते हैं। दुकान से चल रहा बंदे पीछे देख ले एक बार मोड़ने के से पहले कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, गाड़ी की आवाज़ भी आते हुए मैं देख रहा पलट के कितनी तेज आ रहा है। तू देख ना, तू कट का हाँक मार रहा है, बंदा तो नॉर्मल स्पीड में चलेगा ही, 20-30 की स्पीड तो चलेगा, या साला पैदल ही लेके चलूँ गाड़ी बाहर तक रोड तक। बस ये ठुकने के बाद ये बोल देते हैं तुम स्पीड में चला रहे थे, अबे तुम गधे हो क्या, तुम दूसरा तो स्पीड में चलेगा, तुम तो अपना गाड़ी देख के मोड़ो। चलो मूड ख़राब नहीं करते ज़्यादा, क्योंकि व्लॉग में मैं नहीं चाहता नेगेटिविटी ज़्यादा फैलाऊँ मैं बोल बोल के। यहाँ पे जाम ही रहता, गड्ढे में पत्थर वत्थर कुछ नहीं डालेंगे कि हाँ भाई चलो, देखो आगे आगे इतना बड़ा गड्ढा है। अब बताओ कहाँ से निकलोगे? तो गाइस हम पहुँचने वाले हैं चाणक्यपुरी, अब यहाँ से रह गया है 2.8 किलोमीटर। बीच में इतनी तगड़ी बारिश हुई थी, मेरे को है ना अपना गोप्रो खोलना पड़ गया माउंट से निकाल कर, बैग में रखा पन्नी में लपेट कर कि बारिश वारिश में कहीं ख़राब ना हो जाए। फिर मैं आधे रास्ते आ गया, जब यहाँ पे देख रहा हूँ तो यहाँ पे बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है चाणक्यपुरी में। तो गाइस अभी हमें अंडर पास जाना पड़ेगा लग रहा है, अंडर पास के दिखा रहा है हाँ, दो जगह निकलता है, एक चाणक्यपुरी लेफ्ट मुड़ जाएंगे और राइट में जाना है तो एम्स की तरफ निकल जाओगे। ये बढ़िया है, चलो नए नए रास्ते देखते रहना चाहिए। बारिश का मौसम इतना गंदा हो रहा है, कहीं पे बिल्कुल धूप, कहीं पे छांव, कहीं पे बारिश। 21 किलोमीटर दूर से आ रहा हूँ, कहीं बारिश कीचड़ नहीं मिली थी, अब वहाँ पर बीच रास्ते में इतनी तेज़ बारिश हुई कि मैं मेरी जींस भी थोड़ी गीली हो गई, टी शर्ट गीली हो गई हल्की हल्की, मतलब इतनी है कि सूख जाएगी थोड़ी देर पहने रहूँगा। तो सीधा दिखा रहा सीधा। A few moments later. गाइस ब्लैक कलर की है ना, से देखो गाइस ये भी मज़ेदार गाड़ी 200 NS। आ गया मैं, कैचा है बेटू? अच्छा दो फूल लेकर आया मेरे लिए। अरे भीगते भीगते आओ जीजू रास्ते में, देखो ना गाड़ी की कहाँ तक की चढ़ाई है। तेल ढाई डी से आ रहा हूँ आ रहा हूँ, चलो अंदर चल रहे हैं। यही तो है फैन, यही तो फैन है जो अभी आया था। मामा बाइक हमारे से कितने अच्छे हैं, भूख तो लग रही है। A few minutes later. ये हो जाएगी। तो गाइस बाइक को है ना धक्का दिया जीजू ने और मैंने मिलके, तो हो ही नहीं स्टार्ट। अब मैं बाइक लेके आता हूँ अपनी, तब जाके स्टार्ट होगी। धक्का मार मार के उनकी हालत ख़राब हो गई, कह रहे आपका भी वेट ज़्यादा है, मैंने बोला मेरा तो है ही अच्छा। अब बाइक अपनी लेते हैं और फिर उससे धक्का मारेंगे। समझ गया, अब देखता हूँ मैं हेलमेट पहन के जाता हूँ तो कंटेंट बनेगा ना तभी। तो गाइस अब जा रहा हूँ मैं जीजू के पास अपनी बाइक से, NS को धक्का लगाना पड़ेगा क्योंकि बैटरी है ना काफ़ी टाइम से स्टार्ट नहीं हुई ना गाड़ी, तो ठंडी हुई हुई है बैटरी, ज़्यादा हम उस पर बैटरी पर लोड नहीं डालेंगे और धक्का लगाते हैं सीधे बाइक पे। चलो
ऊपर से जाके ना फिर नीचे की तरफ आएंगे, ढलान रहेगा। अभी ये चढ़ाई है थोड़ी। अभी देना मत, थोड़ा सा बढ़ा दो स्पीड। सेकंड में डालना, मेरी गाड़ी का गियर कम हो गया। अब ऐसा करो, आप ढलान की तरफ लो, ढलान की तरफ लो, वजन बहुत पड़ रहा है पैर पे। हाँ, मैं इस साइड से देता हूँ लेफ्ट, गियर बदलने में दिक्कत नहीं होगी। हाँ हो पाएगा। हाँ हाँ अरे बैलेंस बनाओ। अरे कांटे कहाँ से आ गए? अरे यार ये बड़ी भारी चल रही है गाड़ी। चल भाई, मेरी टांग रह जा रही, पीछे गाड़ी आगे चल पड़ रही है, इतनी भारी चल रही है एनएस। अरे आजा एक बार, आजा ले वाला। क्या हो रहा है वो कह नहीं दे रही। रुक जाओ, मैं पीछे से फिर से देता हूँ, थोड़ा सा हिला लो इसको। वैसे मतलब चला लो, आगे की तरफ चलाओ, खड़े खड़े में मैं नहीं दे पा रहा हूँ। हाँ चेक कर लो, ये तो बाइक से धक्का नहीं दी जा रही, तो वैसे धक्का कहाँ से दे पाते। हाय रे, हो रहा पास, इसमें कार्बोरेटर है ना, एफआई नहीं है ना। काम करते हैं। हाँ ऐसे ही ले चले क्या? ऐसे ही लेके चलेंगे। हाँ वो पार्ट्स ले लो। रुको मैं वो पार्ट्स ले लाता हूँ। तो गाइस हम लोग है ना ऐसे ही पार्ट्स लेके उसको धकेल धकेल के ले जाते हैं, नहीं तो ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, बड़ी दिक्कत हो रही है इसमें, भारी बहुत है गाइस। अगर हम सोचे थे कि इतनी धक्का खा के धक्का मार के स्टार्ट हो जाएगी, मगर नहीं हो रही है, बहुत वजन है इस गाड़ी का, और अगले ब्रेक डिस्क पैड भी मुझे लग रहा है ख़त्म ही है। ये तो ऐसे ही धक्का देने में भारी चल रही है बहुत, लेकिन मैं छोड़ बिना ब्रेक लिए ही रुक रही है गाड़ी, मतलब इसके पहिए वहीए सब जाम है, खड़े रहने से गाड़ी की हालत ख़राब हो ही जाती है। टायर तो सही है इसके, टायर की कंडीशन MRF के हैं, अगले और पिछले, अगला वाला टायर शायद बदलना पड़ेगा, पीछे का तो अभी चल जाएगा। सांस फूल गई। अब जी जो है ना इसका रेडिएटर फ़ैन, ये वाला जो रेडिएटर फ़ैन होता है इसमें फ़ैन जो डलना है वो डलेगा, तब जाके स्टार्ट होगी। A few moments later. आ गए जीजू। धीरे धीरे। हाँ। इधर ही पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप के पास में है वो। पेट्रोल पंप पे इधर। ये ना जाम भी बहुत चल रहा है पहिया इसका। हाँ। इसी वजह से और ज़्यादा हो रहा है। हम धक्का नहीं डाल पा रहे हैं। चेन वैन सब है ना इसके जाम है। चल मेरी, चल मेरी राम प्यारी।
देख रहा है सामने गाड़ी धक्का दे रहा है तो भी गधे की तरह सामने से आ रहा है। देखो चू 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 आवाज़ कर रही है, स्टार्ट नहीं होगी जीजू, अब तुम कोशिश मत करना तो इसको धक्का देना भारी पड़ जा रहा है। जब ये लोड नहीं ले रही है ना तो या तो स्पार्क प्लग की दिक्कत होगी, इग्निशन नहीं बन पा रहा। चल भाई चल, रोकना पड़ेगा। ये रेड लाइट गलत हो गई हमारे रास्ते में रेड लाइट गलत पड़ गई रास्ते में। रेडी हो? पैर उठा लो, पैर उठा लो, बैलेंस बनेगा। अपने लिए तो कंटेंट बन रहा है धक्का मार रहे हैं लात लगा के। अरे देवा, अरे हालत खराब, जरा सी दूर भाई। लो कपलिंग टू कपलिंग। अरे रिपेयर नहीं करना है, बस फैन खोल के लगाना है। हाँ तो वही कह रहा हूँ ना, वो वहीं करेगा। इनके बस की नहीं होगी, या तो आप एक बार ट्राई तो करो। भाई साहब मैं वैसे काम में अकेला हूँ, मेरे पास नहीं। अरे ट्राई नहीं करोगे तो कैसे होगा? अरे अच्छा बेमतलब जब मैं बोल रहा हूँ आपसे, अगर इसमें लगता है टाइम, इसमें टाइम हमारे पास है नहीं, मैं गाड़ी करनी चाहिए। मैं अकेला हूँ अब। वो जहाँ पे बोलो कितना दूर है? वो पास में ही है। ये आगे दिखा दो, आगे बोलो तो ये पेट्रोल टी पॉइंट है। टी पॉइंट है ना ये? हाँ बस शाम। चलो टी पॉइंट पे चलें, हेलमेट ले लो। इसको ना यहाँ टंगा लो, कहीं नहीं जाएगा, मैं पीछे रहूँगा ना। तो गाइस यहाँ पे तो ये मैकेनिक की बस की नहीं थी, अब हमें जाना पड़ेगा दूसरी जगह। अरे यार ये है इससे आगे, यहाँ पे तो मैकेनिक ही नहीं है आसपास में। वो क्या कह रहा है? पेट्रोल पंप पे है तो मतलब यहाँ से दूर पड़ेगा 1 किलोमीटर। तो ये इसी इसी रोड पे सीधा सीधा जाके? हाँ अच्छा लेफ्ट, अच्छा चलो भैया फिर से ट्राई करें। बताओ गाइस कहाँ कहाँ जाना पड़ रहा है। चलो भैया झोल लगा के, ऐसा मुर्गी अंडा इधर ले लो, राइट में रख लो, राइट में, या इधर से निकल जाएंगे। हाँ इधर से निकल जाएंगे। वो कह रहा है यहाँ पे कोई नहीं कर पाएगा। अरे क्या है ये कार वाला पागल है क्या? अच्छा खासा फ्लो, पैर में अभी चोट आता था बच गई मेरी। मैं देख रहा हूँ सही है, चल। हाँ ये लोग कर लेता, मुझे पता है ज़्यादा भगवान। अरे जिसकी जो समझ है ना वो उसी हिसाब से करेगा काम।
उस तरफ रखो थोड़ा। हाँ बस अब आना, अभी तक आ जाओ। जा करके उस रोड, ये है ना स्टार्ट। चलो जी, जो उसी पे चल रहे हैं, इन लोगों के बस की ना है। ये एन एस है ना गाड़ी, ये कोई स्प्लेंडर स्प्लेंडर गाड़ी नहीं है। इंजन में कोई प्रॉब्लम ना है, मैं स्टेशन से चला के लाया हूँ। लाए हो चला के ना, तो फिर से बिठा दिया गाड़ी में 2 हफ्ते के लिए। अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। तो तू जब इधर आया था तो कौन सा गोरा था? हो जाएगा, अभी हो जाएगा। वही तो मैं बोल रहा, चलने लायक है, जब चला के लाए हो तो पता नहीं क्यों ये स्टार्ट हो रही है। धक्का मार मार के हलुआ हो गए हम लोग। मोड़ो, थोड़ा सा आगे लो। चलो स्टार्ट करके देखते हैं। आगे स्पीड पहुँच जाना 40-30-40। लेफ्ट दबाओ, ये गाड़ी आ रही है ना। मेरे लिए जगह रखो थोड़ा। बस अभी रुक जाओ, मैं बताऊंगा तब छोड़ना। तीसरे गियर पे डाल लो। तीसरे गियर पे डालो, क्लच दबा के करो। तीसरे गियर पे करो, तीसरे गियर पे। पहले गियर पे नहीं उठेगी ये। तीसरा गियर डालो, थर्ड गियर और कर लो। और बढ़ाने दो, स्पीड बढ़ाने दो, स्पीड बढ़ाने दो। कम से कम 30 पहुंच जाए, 30 पे पहुंच जाए तब जाके। मुझे बता के करना, मेरा पैर मुड़ जाएगा नहीं तो। मैं छोड़ दूँ ना जब करना। नहीं हो रहा लग रहा, मेरी ही बंद हो गई लो। अभी मत छोड़ो, अभी मत छोड़ो, स्पीड तो बढ़ने दो। ढलान आ रहा है, उसके उस पार जाना है, किधर जाना है? अभी रुक जाओ और तेज कर ले दो, फिर देना पूरा। अब करो, छोड़ो। ज़्यादा हाई लोअर गियर पे आप क्लच छोड़ रहे हो, तभी वो पहिया घूम नहीं पा रहा है। हाई गियर पे रखो उसको, कम से थर्ड गियर पे रखो, कम से कम थर्ड गियर करो, थर्ड गियर। एक और बार करो, पीछे आगे पीछे, थर्ड हो जाएगा, हो गया। क्योंकि ये गाड़ियाँ ना पहले गियर पे उठ ही नहीं सकती, इनका इंजन भारी है। करो, मोड़ो 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 मोड़ो, राइट मोड़ो। अरे यार मेरा बैलेंस नहीं बन पा रहा सही से। सीधा रखो गाड़ी को, सीधा। अभी रुक जाओ, मैं भी बढ़ा लूँ ना गियर। अभी नहीं, अभी नहीं, जब मैं बोलूँगा तब करना। करो, नहीं हुआ। रहने दो, बैटरी ठंडी हो जाएगी अब। चलो अब जहाँ बोल रहा है वहाँ चलना है। अंकल कहाँ से मोड़ रहे हैं इतना? लो लो लो,
अब बैटरी डाउन हो जाएगी, रहने दो। उसी खत्म, बाय बाय टाटा, गुड बाय, गया। Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.